सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वही धाकड़ जीत, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपाइयों को जमकर लताड़ा। जी हां, आपको बताया चले कि देश में इन दिनों दिल्ली शराब घोटाला की गूंज है। इसके आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा रखा है। ईडी मामले को गंभीर बता रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी से राजनीतिक साजिश करार दे रही है। इस बीच ऐसे ही शराब घोटाले के छत्तीसगढ़ के एक मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ धन शोधन का मामला सोमवार को रद्द करते हुए कहा कि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइया की पीठ ने उल्लेख करते हुए कहा कि पिता पुत्र के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी है, उन पर मुख्य अपराध का कोई मामला नहीं है और न ही धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कोई मामला बनता है। पीठ ने कहा कि क्योंकि कोई अपराध नहीं हुआ, इसलिए पीएमएलए की धारा 2U के तहत परिभाषित अपराधी अपराध से संपत्ति अर्जित नहीं हो सकती है। यदि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई तो पीएमएलए के तहत अपराध का मामला ही नहीं बनता है। आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को संकेत दिया था कि पिता पुत्र के खिलाफ धन शोधन का मामला रद्द हो सकता है। जी, आपको बताया चले कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा फायदा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर मुद्दा बनाया था, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी गई है और ईडी को तगड़ा झटका लग गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टैक्स से हर्षराज की रिपोर्ट।